सोमनाथ खाते सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम चाली रह्यो छे त्यारे तमिलनाडुना सेलमथी आवेला गोपाल कन्नने महाराष्ट्र सरकार द्वारा कम्युनिटी सर्टिफिकेट ने मान्यता अपाती नथी ते मुद्दा ने लईने केन्द्रीय प्रधानों समक्ष पोतानो प्रश्न रजू कर्यो हतो। जे प्रकारे तमिलनाडु में सौराष्ट्र कम्युनिटी ने तमिलनाडु की सरकारे गेजेट तरीके प्राप्त कर्युं छे अने तेने प्रमाणपत्रों पण आपी रह्या छे, परंतु आज प्रकारे महाराष्ट्रनी सरकार छे ते सौराष्ट्र कम्युनिटी ने गेजेट में समावती नथी, जेने कारणे मूळ सौराष्ट्रना तमिलियनों के जे सर्वप्रथम वक्त सोमनाथ थी महाराष्ट्र कर्नाटक अने हवे अत्यारे तमिलनाडु में वसेला जोवा मळे छे तेने आ प्रमाणपत्र नहीं मळवाने कारणे खूब मुश्केलीनो सामनो करवो पड़े छे। जे रीते तमिलनाडुनी सरकार सौराष्ट्र कम्युनिटी तरीकेनुं प्रमाणपत्र आपे छे अने तेने गेजेट द्वारा मान्य पण कर्युं छे, त्यारे आज प्रकारनुं सर्टिफिकेट महाराष्ट्रनी सरकार आपे अने तेने गेजेट द्वारा मान्यता आपे तेवी मांग मूळ सौराष्ट्रना तमिलियनो के जे हाल सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम में सोमनाथ खाते आवेला छे तेवोए केंद्रीय प्रधान समक्ष तेमनो आ प्रश्न मुक्यो छे। और मेरा ये विनंती है भारत सरकार के सामने, जैसा कि तमिलनाडु में सौराष्ट्र का एक कम्युनिटी है तो गवर्नमेंट गेजेट में भी ये सबको कम्युनिटी सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में सौराष्ट्र का अगर हम लोग कम्युनिटी सर्टिफिकेट डिमांड करेंगे उन लोग बोलेंगे नहीं, ये सौराष्ट्र एक जगह का नाम है, ये कोई जाति नहीं है। और इसका रिगार्डिंग वहाँ के हमारे लोग हैं, हमारे समुदाय के लोग उसके पीछे बहुत सारे काम कर रहे पर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला आज तक, और उनको वहाँ पे एक आइडेंटिटी चाहिए। जैसा कि तमिलनाडु में एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट उनको मिल रहा है, वैसा महाराष्ट्र में भी उनको मिलना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है भारत सरकार के सामने, और इसका आपसे मदद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है।